दिल्ली नोएडा के बीच चिला बॉर्डर पर भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये धरना प्रदर्शन 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसानों का कहना है कि उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और ये मांग की है किसानों ने कि सरकार उनसे खुले मंच पर बातचीत करे। देखिए रिपोर्ट। नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन का 10वां दिन है और किसानों ने जो भारत सरकार की तरफ से प्रस्ताव किसानों को भेजा गया था उसको ठुकरा दिया है और अब आगे की किस तरीके की रणनीति होगी बात कर लेते हैं किसान नेता से। आगे अब किस तरीके की आप लोग रणनीति बना रहे हैं, क्या रणनीति किसान क्या बनाएगा? रणनीति तो बनाती है सरकार, पॉलिसी बनाती है सरकार, नीति आयोग गठन करता है। हमारा कहना ये है कि सरकार बारी बारी से ये जो चूहा बिल्ली का खेल खेल रही है, कभी तो किसान को गलत साबित करना पे उतारू है, कभी किसान को तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। भई हम एक कमेटी गठित कर देंगे, एक प्रस्ताव आपको भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसान से सरकार आए, सड़कों पे आना चाहती है तो सड़कों पे आ जाए, कहीं कोई एक प्लेटफार्म देना चाहती है उस प्लेटफार्म पे आ जाए, प्लेटफार्म सार्वजनिक हो, रामलीला मैदान हो, संसद भवन हो, जंतर मंतर हो। हम कहते हैं कि कृषि से जुड़े हुए लोगों को जिनको अनुभव है, कृषि का पूरा अनुभव है, कृषि के साथ साथ जिनको कानून का संविधान का भी अनुभव जिनके पास है, उन किसानों से खुले मंच से बात करें, मीडिया के सामने बात करें, सरकार दो शब्दों में सुन ले, किसान को या तो ये गलत साबित कर दें कि किसान की मांग गलत है, किसान इनका सरकार का दरवाज़ा छोड़ कर चला जाएगा। यदि किसान ये साबित कर देता है कि बिल गलत है, आपकी मंशा गलत है, सरकार गलत है, तो फिर सरकार को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, खारिज करने पड़ेंगे। 12 तारीख को लेके बड़ा ऐलान करा गया है, तो ऐसे में यहाँ से चिल्ला बॉर्डर से किस तरीके के आगे रूपरेखा तैयार की जाएगी? नहीं, अभी आज तारीख हुआ है 10, 10 तारीख को यदि हम ऐलान करें, इनको बता दें सरकारों को, हम तो वैसे खुला खेल फरुक्काबादी खेलते हैं, किसान के अंदर कोई छल नहीं होता। अब किसान इनकी चालाकी समझ गया, इनकी मंशा समझ गया, अब हम भी अपनी जो रणनीति बनाते हैं वो भाई हम सरकारों को क्यों बताएं? क्यों आपके माध्यम से सरकार जान लेती है, आईबी के माध्यम से जानना चाहती है, इंटेलिजेंस के माध्यम से, सीबीसीआईडी जो खुफिया तंत्र है इनका, सरकारी मशीनरी के द्वारा ये जानना चाहती है किसान क्या करने वाला है। पहले किसान भोला भाला होता था, इनको बता देता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किसान उदारवादी है, किसान दया का सागर है। वो आप देख रहे होंगे, मेरे कुछ अजीज साथी ये कह रहे हैं, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, साहब आपने रास्ता दे दिया, ये गलत कर दिया, इससे तादाद कम हो जाएगी, किसान कमजोर हो जाएगा, सरकारों पे प्रेशर नहीं रहेगा। हमने सरकारों पे ऐसा प्रेशर नहीं बनाना, दिखावा नहीं करना है, हम सरकारों को चेतावनी देने आए हैं, सरकारों को हिंदी में समझाने आए हैं। हमने आम जनता की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली से नोएडा जाने वाला रास्ता दिया है, हमने आम जनता को दिया है, किसी के प्रेशर में नहीं दिया। अब यह चाहे तो ऐसा प्रशासन घुनाए, कहे साहब हमने खुलवा दिया, बल प्रयोग करके खुलवा दिया, चलो जी तुम ही बड़े रहो, तुमने खुलवा दिया होगा, ये हमारी इंसानियत है, मानवता है, कहीं ना कहीं से हमारी उदारता है। हम नहीं चाहते कि पूरे देश के हिंदुस्तान के आवाम में किसी भी एक सिंगल व्यक्ति को हमारी वजह से परेशान होना पड़े, इसीलिए आज किसान आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सारा वर्ग, मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, ये ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले, और मैं तो कहता हूँ कि सारा विपक्ष लामबंद होकर किसान के कंधे पे धर के बंदूक चलाना चाह रहा है। क्या हम विपक्ष को जानते नहीं है? हम भी विपक्ष की सियासत को समझ रहे हैं। भाई जब आप सत्ता में थे, कोई सी ऐसी राजनीतिक पार्टी आप बताइए जिसने भी किसान को आज़ादी दी, किसान को आज़ाद नहीं कर पाए। किसानों के लिए सरकारों ने कुछ किया, जरूर किया, मानते हैं पिछली सरकारों ने किया, लेकिन इस सरकार ने तो जो पिछली सरकारों ने किया था उस पर भी बंद कर दिया मामला। इसने तो ये नीति बना ली कि किसान का नाम लो, सीधा सीधा लाभ पूंजीपतियों को दो, क्योंकि पूंजीपति सरकार को चंदा मुहैया कराते हैं, सरकार बनाने का काम पूंजीपति कराते हैं। ये तो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हनन है। इनको वोट बैंक की चिंता नहीं है, इनको पूंजीपतियों की चिंता है, इनको जनमानस की चिंता नहीं है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? प्रस्ताव आपने ठुकरा दिया, अब क्या मांग? प्रस्ताव ठुकरा दिया है, हम तो कहते हैं सरकार खुले मैदान बात करे, और सरकार बात भी ना करे तो ये ऐलान करे कि बिलों को खारिज किया जाता है,
भाई जनता की हिफाजत के लिए तो कानून बनाए जाते हैं, जो जनता की हिफाजत ना करता हो, जनता के हितों को सीधा सीधा कुठाराघात करता हो, जिसके आने वाले परिणाम भयंकर दिखाई देते हो, ऐसे कानून को सिरे से खारिज करे सरकार, क्या आपत्ति है? तो इन किसान नेता का कहना है कि सरकार का जो तरफ से प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया और ऐसे में अब सरकार की तरफ से ये कहे कि जो बिलों को खारिज करा जाता है या तो किसान अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे। उनका कहना है कि सार्वजनिक मंच पर आके किसान और सरकार जो है बातचीत करे, तभी कोई हल निकलेगा, नहीं तो जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। शिव त्यागी, टोटल टीवी, नोएडा।